हाय एवरीवन, वेलकम टू वेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ सीक्वेंस डायग्राम इन यूएमएल। तो देखो, यूएमएल के अंदर जो हमारे बिहेवियर डायग्राम होते हैं, जिसमें हम डायनामिक एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं कि क्या एक्शंस परफॉर्म करने हैं और इंट्रैक्शंस कैसे हमने मेंशन करनी है, वो सारी चीजें हम लोग बिहेवियर डायग्राम में लिखते हैं। और उसी में हमारे पास एक आता है बिहेवियर के अंदर सीक्वेंस डायग्राम, जहां पे दो सबसे मेन चीजें हैं। सबसे पहली चीज यहां पे क्या होते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मतलब जैसे अगर हमने रेस्टोरेंट सिस्टम के लिए सीक्वेंस डायग्राम बनाना है तो क्या ऑब्जेक्ट्स होंगे, क्या क्या वहां पे चीजें होंगी। एक तो होगा कस्टमर जो उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में खाने के लिए जा रहा है, एक होगा वहां पे वेटर जो सर्व कर रहा है फूड, और तीसरा आप किचन कह लो या शेफ कह लो किचन के अंदर जो उस फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये मेनली क्या हो गए, ऑब्जेक्ट्स। तो यहां पर सबसे पहले जो है इन ऑब्जेक्ट्स को मेंशन किया जाता है, और फिर उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या मैसेज पास हुए हैं, क्या उनके बीच में इंटरेक्शन हुई है, उसको मेंशन किया जाता है, लेकिन टाइमली ऑर्डर में। टाइमली ऑर्डर का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर कोई इवेंट हुआ है तो नेक्स्ट इवेंट या तो उसके बाद होगा या फिर उससे पहले। ऐसे नहीं कह सकते कि जैसे आपने फॉर एग्जांपल यहां पे आप सबसे पहले कस्टमर आया, कस्टमर ने आते ही सबसे पहले ऑर्डर किया, अब ऑर्डर करने के बाद जो फूड को सर्व किया जाएगा इस इवेंट को आप ऊपर नहीं कर सकते। अरे भैया, पहले ऑर्डर करेंगे तभी तो फूड सर्व करेंगे, ऐसा थोड़ी ना जाते पहले फूड सर्व कर दिया फिर ऑर्डर किया। तो यानी इन इवेंट्स को हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ये टाइमली मैनर में ही होंगे। बाकी की कहानी तो बड़ी सिंपल है जी। तो देखो, सबसे पहले हुआ क्या, कस्टमर एंटर किया, एंटर करने के बाद यहां पे आप ये चीजें ऐसा नहीं कि ये फिक्स हो गया कि आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज भी कर सकते हो। हो सकता है कस्टमर ने जाते ही सबसे पहले रिक्वेस्ट की मेन्यू की, तो यहां पे जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट को हम लोग जो है वो सॉलिड लाइन से इस तरीके से मेंशन करते हैं एरो के साथ। हमने रिक्वेस्ट की वेटर को कि मेन्यू दो, तो उसने क्या किया, मेन्यू दिया। और जो ये रिस्पांस होता है, ये जो हमारा रिस्पांस होता है, ये याद रखना कि रिस्पांस हमारा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। रिस्पांस हमारा डॉटेड लाइन से, मतलब रिक्वेस्ट तो सॉलिड से और जो रिस्पांस आया वो रिस्पांस मेरा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। बस ये मेन मेन पॉइंट जो है वो थ्योरी वाले याद रखना, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कॉलेज एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो रिक्वेस्ट की कि मेन्यू दो, रिस्पांस आया डॉटेड लाइन में कि मेन्यू दिया। उसके बाद क्या होगा, ऑर्डर देंगे। ऑर्डर देने के बाद हमने वेटर को क्या दिया, ऑर्डर दिया, और उस वेटर ने आगे ऑर्डर जो है वो किचन में शेफ को पास ऑन कर दिया। अब यहां पे आपको पता है कि ये चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। उसके बाद वेटर ने क्या किया, वाटर सर्व किया। तो देखो, रिस्पांस है ना तो डॉटेड लाइन से। फिर क्या हुआ, उसके बाद जो पिकअप किया, मतलब इतने में किचन में वो सारा सामान बन गया, अब वेटर ने वहां से पिकअप करना है, पिकअप करने के बाद फूड को सर्व करना है, सर्व करने के बाद जब खा पी लिया उसके बाद हमें पे करना है। मतलब ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है वो हो रहे हैं। बस रिप्रेजेंटेशन याद रखना, सॉलिड लाइन से क्या होता है, जो आपकी डैश लाइन से क्या होता है, जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम लोग इस तरीके से रेक्टेंगल में अंडरलाइन के साथ शो करते हैं। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको दिख रही होगी, ये जो रेक्टेंगल दिख रही है, ये जो वर्टिकल रेक्टेंगल दिख रही है, ये एक्चुअल में क्या है, एक्टिवेशन टाइम है। एक्टिवेशन टाइम मतलब जब मैंने फूड ऑर्डर किया तो तुरंत थोड़ी ना आ गया, उसके बाद कुछ देर तक मैंने वेट की, मेरे को कुछ जो है वो पानी मिला या कुछ ना कुछ स्नैक्स जो है वो स्टार्टिंग में दे देते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री मेरे को कुछ दिया कि चलो टाइम पास हो गया। उसके बाद मैंने फिर जो है वो क्या हुआ, मैंने खाना जैसे ही यहां पे आया, तो ऐसे थोड़ी ना खाना मिलते ही खत्म कर दोगे, खाना मिलने के बाद आप कुछ देर तक उसको आराम से खाओगे। तो ये जो एक्टिवेशन टाइम है कि फूड जब आपने ऑर्डर किया उसके बाद कुछ देर तक आपने वेट किया, आपको पानी मिला, फिर जब आपको खाना जो है वो मिला उसके बाद कुछ देर तक आपने खाना खाया, उसके बाद आपने पेमेंट की, ऐसे यहां पे देखो जो वेटर है, वेटर ने आपका ऑर्डर लिया, ऑर्डर आगे जो है वो दिया, अब किचन वाले कुछ टाइम लगा रहे हैं उसको बनाने में, फिर उसके बाद जो है वो वेटर क्या करेगा, पिकअप करेगा, पिकअप करने के बाद वो वेट करेगा, जब तक आप खाओगे नहीं तब तक वो जो है वो वेट करेगा, फिर आपकी पेमेंट लेगा। तो ये एक तरह से एक्टिवेशन टाइम होगा कि आपने जो रिक्वेस्ट किया है उसको कितनी देर बाद आपको रिस्पॉन्स मिला। ये सारे पॉइंट जो है थ्योरी के, लेकिन जब आप इस एग्जाम्पल के साथ समझोगे आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। थैंक यू।